वज़ीरे आज़म के बाद स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की बारी। तहरीक अदम एतमाद का मसविदा तैयार। 100 से ज़ायद अरकान के दस्तखत मौजूद। असद कैसर और कासिम सूरी पर ऐवान को अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक चलाने का इल्ज़ाम। अपोजिशन जमातों के सरबराही इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सबसे पहले स्पीकर वज़ीरे आज़म तो पहले है ना, पंजाब इमीडिएटली इसके बाद होगा, उसके बाद केपी के प्रेसिडेंट तो नेचुरली इम्पीचमेंट में जाएगा ना, उसको कैसे रहने देंगे। चेयरमैन सेनेट कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ जितने बंदे हैं मैं अपोजिशन को दूँ। लीडरशिप ने ये कह दिया है जॉइंटली कि जिस दिन वो जलसा करेंगे उसी दिन उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। वज़ीरे आज़म के बाद स्पीकर कौमी असेंबली और वज़ीरे आला पंजाब के गिर्द घेरा तंग होगा। पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर लिया। इमरान खान के बाद असद कैसर और उस्मान बुज़दार की तरफ जाएंगे। सदर को भी नहीं रहने देंगे। चेयरमैन सेनेट अपने बंदे अपोजिशन को देने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। जिसने लाना है अदम इत्माद वो उसका कानूनी हक है। अगर वो अदम इत्माद लाते हैं तो 100% इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एमएनएस है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो किसी भी सूरत पे अपनी लीडर को नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक। पीटीआई के अरकान और इत्तेहादी इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अपोजिशन को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। असद कैसर का सवाबी में खिताब। कौमी असेंबली का अजलास जल्द बुलाने का ऐलान। असद कैसर का रवैया जानिबदाराना। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का इतना ही यकीन है तो फौरी इजलास बुलाएं। अयाज सादिक का चैलेंज। स्पीकर कौमी असेंबली गैर जानिबदार नहीं रहे, ओहदे से फौरी इस्तीफा दे। नैयर बुखारी, नवीद कमर और शेरी रहमान का मुतालबा। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास पीर को तलब। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। सियासी उतार चढ़ाव में काफली किसका साथ देगी। हतमी फैसले के लिए अहम बैठक आज फिर शेड्यूल। मुशावरती इजलास में मुल्क की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। किसी भी कशमकश का शिकार नहीं, सोच समझ कर फैसले करेंगे। चौधरी शुजात का रहनुमाओं से इजहार ख्याल। इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रखा हुआ है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग भी इस इंतहा की कर रहे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मिंबर की इतना रेट लगेगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने पंजाब की सियासत की बात की है। काफ लीग ब्लैकमेलर, तरीन ग्रुप जमीर फरोश करार। शेख रशीद के इत्तेहादियों पर ही लफ्जीवार। 5-5 सीटों वाले पंजाब की वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। माजी में तरीन के जहाज पर आने वाले अपनी रजामंदी से आए। वजीर दाखला की मीडिया टॉक। अपोजिशन को सुलह सफाई का पैगाम। ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाने का मशवरा। हिम्मत है तो वोटिंग के रोज इस्लामाबाद आकर दिखाएं। अंसारुल इस्लाम को चैलेंज। शेख रशीद की इज्जत करते हैं। वजीर दाखला भूल रहे हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के लीडरों से ही पैसे लिया करते थे। चौधरी मुनिस इलाही का जवाब। वजीर दाखला चौधरी खानदान को अच्छी तरह जानते हैं। बयान अपनी वजारत बचाने की कोशिश हो सकता है। तर्जुमान स्पीकर पंजाब असेंबली का रद्देअमल। वज़ीरे दाखला के इत्तेहादियों से मुतालिक बयानात। बीएपी भी बरहम। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद लेती है। शेख रशीद नहीं, जाम कमाल का करारा जवाब। मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं।
मैं समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो इमरान खान को आइनी तौर पर इखलाकी तौर पर वोट देने का पाबंद है। कोई तरीन ग्रुप दिखाई दे रहा है ना ही इसे अहमियत देते हैं। बल्ले के निशान पर मुंतखब होने वाले इमरान खान को वोट देने के पाबंद है। जो नहीं देना चाहता वो अपनी नशस्त मुस्ताफी हो जाए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, वजीर खारजा का सहाफी के सवाल पर लफ्ज डीजल बोलने से गुरेज। तरीन ग्रुप के ताहम है शाह महमूद को कुछ दिनों में अंदाजा हो जाएगा। वजीर आजम हमारे ग्रुप को बनाने में मसरूफ, वजीर खारजा बयानबाजी कर रहे हैं, तर्जुमान का जवाब। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला, जवाब हिकमत अमली तैयार। पीटीआई विंग से एक रोज कबल इस्लामाबाद में अवामी ताकत दिखाएगी। वजीर आजम ने खिलाड़ियों को बड़े जलसे का टास्क दे दिया। मुखालफीन मौशी तरक्की रोकने के ख्वाहिशमंद, तहरीक अदम एतमाद लाने वाले नाकाम होंगे। पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इमरान खान की वार्निंग। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली और घिराव की धमकियां देना पड़े और जहां इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बावजूद भी आप पसपा हो रहे हों। ये हुकूमत नहीं शर्मिंदगी है, मरियम नवाज का ट्वीट। इंडियन मिसाइल के पाकिस्तानी हदूद में गिरने का वाकया, भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान की शदीद तशवीश से आगाह किया गया। ऐसे पचीदा मामले पर मामूली वजाहत काफी नहीं, तसल्ली बख्श जवाब चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के फैसले पर भी अदम एतमिनान का इजहार। मिसाइल का फायर होना भारत की संगीन और भयानक कार्रवाई, अगर हादसा मान लिया जाए तो भी इनकी अहलियत पर कई सवाल उठते हैं। वाकई पर जवाब तलब कर लिया, तवक्को है मुनासिब जवाब मिलेगा। आलमी बरादरी को भी मामले पर नोटिस लेना होगा। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के करीब कराची से लाहौर जाने वाली मालगाड़ी हादसे का शिकार, 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरोना की पांचवी लहर में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 1.54% तक आ गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से 6 अमवात, 571 नए मरीज रजिस्टर। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी जारी, पोलैंड के करीबी शहर लस्क में शदीद लड़ाई, कीव में भी धमाके। जंगजदा इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी, अमरीकी सदर का एक बार फिर नेटो ममालिक के तहफ्फुज़ का ऐलान। और कराची टेस्ट का आज दूसरा रोज, ऑस्ट्रेलिया 251 रन, 3 खिलाड़ी आउट से खेल दोबारा शुरू करेगा। उस्मान ख्वाजा 127 के इंफरादी स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद।